श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथैक विशोध्यायः। सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग द्युलोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही द्युलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुववत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा, छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं, तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृषादि पांच राशियों में चलते हैं, तब प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिक आदि पांच राशियों में चलते हैं, तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरिया है। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्यान्ह, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं, उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्यान्हकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपने गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाई ओर रखकर चलते हैं, तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाई ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसी दाई ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते मालूम होंगे, और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे, उसके ठीक सामने की और आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों के मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे, वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाए, तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं, तब 15 घड़ी में वे 2,25,00,000 और 12,50,000 योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,00,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नामक का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मासरूप 12 आरे हैं, ऋतुरूप 6 नेमिया यानी कि हाल है, 3 चौमासे रूप 3 नाभि ओवन है। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36,00,000 योजन लंबा और 9,00,000 योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36,00,000 योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरुए के बराबर आकार वाले वालखिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं।
वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2,002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। हरे कृष्ण।